एक रोमांटिक सॉन्ग है, ये फील वैसा है जैसा एक फिल्म आई थी राजा हिंदुस्तानी, उसमें जो वो परदेसी वाला सॉन्ग था, तो वो फील है एक्चुअली। हीरो हीरोइन ढाबे पर आए हैं एंड वो कुछ अपने अच्छे लम्हों को याद कर रहे हैं यहाँ पर इस सॉन्ग को देखने के दौरान, तो ये वैसा सिचुएशन है और बहुत मज़ा आ रहा है ये गाना करके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दी गणेश आचार्य जो मास्टर जी हैं हमारे, उनका उनका सॉन्ग है और उनके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गाना तो बहुत ही अच्छा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग जहाँ पर अच्छे गानों के जो कद्रदान हैं उनको ये गाना बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और कहीं ना कहीं गानों का हमेशा से योगदान रहा है फिल्मों को चलाने का, तो आई होप कि ये गाना भी उन गानों में से एक है। आमतौर पर मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक डिमांड पे आजकल गाने जो चल रही हैं, अगर अच्छे नहीं होते तो पब्लिक उसको कैसे अच्छा बोलती और वो हिट कैसे होते, तो ये चीज़ें बहुत सारी पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। किसी भी गाने के लिरिक्स को अगर आप ध्यान से सुने तो शायद वो हर किसी को अच्छा ना लगे, या हो सकता है मास को बहुत अच्छा लगे, तो यू नेवर नो आजकल पब्लिक का टेस्ट क्या है। अभी जो मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो है प्रतिज्ञा 2, दूध का कर्ज एंड वन मोर खून भरी मांग, और एक जो भी कच्चे धागे मेरी ऑलरेडी चल रही है, बिहार में बहुत धूम मचा चुकी है, तो आई होप कि बाकी तीनों फिल्में भी बहुत अच्छी चलेंगी। वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, कभी अगर मुझे भी मन हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट अपने लिए अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए, जो अभी तक बना नहीं है, बट अगर मुझे ऐसा मौका कभी मिला तो ज़रूर मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगी।